और मनहज कैसा था, इस पर आप ताज्जुब करेंगे, लेकिन ये चीज़ इख्वानुल मुस्लिमून के यहाँ कोई ताज्जुब की बात नहीं है। इनका जो अकीदा था वो राफिजी अकीदा था, और ये बाबिया की तरफ निस्बत करते थे अपनी, जो कि शियों में एक फ़िरका है। और इसी फ़िरके का कहना है, अकीदा है बाबिया फ़िरके का, कि दीगर पेशों की तरह नबुवत भी एक कस्बी चीज़ है। जैसे इंसान कोई ना कोई पेशा अख्तियार करता है और वो कस्बी होता है, तो इनका कहना था नबुवत भी एक कस्बी चीज़ है। इससे मतलब ये हो जाएगा कि नबी तो कोई भी बन सकता है, कादियानी भी यही बात कहते हैं। तो ये चीज़ इन्होंने तुर्की में रह करके कही थी, उसके बाद उन पर फतवे लगे कुफ्र और इल्हाद के, वहाँ से उनको छोड़ के मिस्र आना पड़ा। यहाँ पर भी उलमा ने उनके ख़िलाफ़ फतवा जारी किया था।